सो गाइस, जैसे कि आपको बता होगा हमारा OB45 अपडेट बहुत जल्द आने वाला है एंड इस बार कुछ ऐसे अपडेट हैं जिससे आपका दिल खुश होने वाला है। सो सबसे पहला अपडेट हमें देखने को मिलेगा हमारा सोशल आइलैंड में। अभी आफ्टर अपडेट हमें एक टोटल न्यू सोशल आइलैंड देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी सोशल आइलैंड को गरेना रीडिजाइन करने वाली है, जैसे कि ये फुटबॉल ग्राउंड हो गया एंड हमारा रोबो पेट का एक यहाँ पे बड़ा सा स्टैचू आपको नजर आएगा। एंड देखो, अगर ओवरऑल बात करें आफ्टर अपडेट, आपको एक वंडरफुल न्यू सोशल आइलैंड देखने को मिलेगा। वैसे मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। ओके, नंबर 2 अपडेट जो कि गेम को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है, अभी गेम में आने वाला है FPP मोड। देखो, FPP का मतलब है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। अभी देखो, नॉर्मल फ्री फायर का गेम प्ले TPP मोड में होता है, जो कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, जहां पर हम लोग हमारे कैरेक्टर को देख सकते हैं एंड वो क्या कर रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं। बट अगर आप FPP मोड में खेलोगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको दिखेगा। लाइक अभी आप फोन में वीडियो देख रहे हो तो आपके आंखों को सिर्फ आपका हाथ एंड सामने की चीज ही नजर आता है। ठीक वैसे गेम में भी FPP मोड आने वाला है, जहां पर आपका गेम प्ले में एक अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये जो FPP मोड है ये बड़े बड़े गेम्स में होता है। चलो, फ्री फायर इसको लाया है, अच्छी बात है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप न्यू FPP मोड में खेलना चाहोगे या फिर पुराना TPP मोड ही सही था, कमेंट करके बताना। ओके, नंबर 3 अपडेट जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आफ्टर अपडेट गरेना फ्री फायर हमारे सारे व्हीकल में एक न्यू फंक्शन ऐड करने वाली है, ऑटो पायलट का, जहां पर हमारा गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगा, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। देखो, गाड़ी में बैठने के बाद हमें एक ऑटो पायलट का बटन देखने को मिलेगा, जिसको दबाने पर हमारा गाड़ी सीधा चलेगा। अभी देखो, गाड़ी तो आपका मन की बात नहीं जानता है ना, कि आप मन में सोच रहे हो मुझे क्लॉक टावर जाना है या आपको ऑटोमेटिक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं होता है। ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं होता है। देखो, ऑटो पायलट को ऑन करने पर आपका गाड़ी सीधा चलेगा, बट गाड़ी को लेफ्ट या फिर राइट आपको ही करना पड़ेगा गुरु। ओके, नंबर 4 अपडेट, हमारे गेम में एक न्यू गाड़ी आने वाला है जिसका लुक ओ हो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, और ये गाड़ी जमीन पर नहीं आसमान पर चलेगा। देखो, नो डाउट ये गाड़ी सच में आने वाला है, बट बहुत सारे बंदे आपको ये नहीं बता रहे कि हमारे नॉर्मल बैटल रॉयल में देखने को नहीं मिलेगा, ये गाड़ी सिर्फ आपको कॉस्मिक रेसर मोड में देखने को मिलेगा, जहां पर आप इसको चला सकते हो। तो यार, आपको क्या लगता है फ्री फायर को इस गाड़ी को हमारे BR में लानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। देखो, अगर गाड़ी नॉर्मल गेम में आ जाता है मजा तो डेफिनेटली आएगा, बाकी फ्री फायर के ऊपर है। ओके, नंबर 5 अपडेट, अभी टाइम आ चुका है पुरानी यादों को ताजा करने की। हमारे इस OB45 अपडेट में हमें हमारा पुराना पीक देखने को मिलेगा, हमारा वो प्यारा ब्रोकन हाउस, मल्टी विंडो, डबल डोर, हमें सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक बुरी खबर ये है, ये सारे चीज एक लॉबी में होने वाली है, मतलब आफ्टर अपडेट हमारा जो न्यू लॉबी होगा वो हमारा पुराना पीक के थीम पर होगा। एंड एक और तरीके से आपको पुराना पीक देखने को मिलेगा, आफ्टर अपडेट 7th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में हमें गेम में एक पोर्टल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जाने पर यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए हमारे पुराने पीक के मजे ले सकते हैं। तो चलो, कमेंट करके बताओ आपको पुरानी पीक चाहिए या फिर ये न्यू पीक ही सही है। ओके, अगर पुरानी यादों की बात चल रहा है तो हम लोग हमारे ग्लाइडर को कैसे भूल सकते हैं। आफ्टर अपडेट हमें हमारा पुराना ग्लाइडर भी देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको वही वाला पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा एंड पोर्टल से बाहर निकलते टाइम हम लोग कुछ ऐसे ग्लाइडर का यूज करके नीचे आने वाले हैं। मेरा तो यार पुराने यादें ताजा हो गया। ओके, नेक्स्ट, नंबर 7 अपडेट, अभी देखो अपडेट आने के बाद अभी जैसे हम लोग ऑक को यूज करने पर वो ऑटो अपग्रेड हो जाता है एनिमी को डैमेज देने पर, ठीक वैसे मैक 10 में भी ऑटो अपग्रेड फीचर आने वाला है, ये भी लेवल 1 से लेवल 3 तक अपग्रेड होगा। ओके, नंबर 8 अपडेट, न्यू कैरेक्टर। आफ्टर अपडेट हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम होने वाला है केसी। एंड देखो, इसकी स्किल के बारे में हमें पिछली वाली एडवांस सर्वर में पता लग गया था। इसके स्किल को यूज करने पर ये अपना टीममेट के साथ एक हीलिंग बॉन्ड बनाता है, जिससे आप दोनों को HP मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। और बाकी हमें एडवांस सर्वर में एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसका नेम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, बट ये भी OP होने वाला है। अभी देखो, ये आएगा या फिर नहीं आएगा फ्री फायर को ही पता है। ओके, नंबर 9 अपडेट, गेम में एक न्यू गन आने वाला है जिसका नाम है हील पिस्तौल Y। अभी सुनने को ये मिल रहा है ये एनिमी को डैमेज दे सकता है, अपने टीममेट को हील कर सकता है एंड उसके साथ में दूर पड़ा हुआ टीममेट को दूर से ही रिवाइव कर सकता है। तो आपको ये हील पिस्तौल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, नंबर 10 अपडेट, भाई ये रिमनाम विलेज पर मेला लगने वाला है, जहां पर हमें कुछ इस तरीके का नजारे देखने को मिलेगा एंड ये सब कुछ होने वाला है 7th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में। तो यार, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि OB45 अपडेट आने के बाद हमें देखने को मिलेगा। एंड आपको इनमें से कौन सी अपडेट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके अभी बताओ। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।